एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है टेकचिप के एक फ्रेश एपिसोड में। तो वेबसाइट हैकिंग सीरीज के इस पांचवें पार्ट में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से किसी वेबसाइट के डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट को अपने लोकल सिस्टम पर किस तरह से क्लोन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस काम के लिए काफी सारे टूल्स मौजूद हैं, पर आज के इस वीडियो में हम एक पॉपुलर टूल HTTrack के बारे में बात करेंगे। HTTrack एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा इंटरनेट से किसी वेबसाइट को डाउनलोड किया जा सकता है, उसको ऑफलाइन ब्राउज कर सकते हैं, उसकी लोकल डायरेक्टरीज, HTML पेजेस, इमेजेस और भी दूसरी तरह की फाइलों को डाउनलोड किया जा सकता है। एक तरह से वेबसाइट को आप अपने लोकल सिस्टम पर मिरर कर सकते हैं। ये वेबसाइट को डाउनलोड करने के लिए वेब क्लोरर का यूज करता है, पर दोस्तों रोबोट्स एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल के चलते वेबसाइट के कुछ पार्ट डाउनलोड नहीं हो पाते। आप इस टूल को विंडोज, लिनक्स और यूनिक्स प्लेटफॉर्म पर बड़ी आसानी से यूज ले सकते हैं। इस टूल के द्वारा किसी वेबसाइट के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है कि वेबसाइट के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, उस वेबसाइट के अंदर कौन से प्लगइन्स, कौन सी थीम यूज हो रही है, जो वेबसाइट हैकिंग में बहुत सहायक होती है। तो चलिए देखते हैं इस टूल का प्रयोग कैसे किया जा सकता है और उस इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज ले सकते हैं। मैं आपको इस टूल को विंडोज 10 और काली लिनक्स दोनों में ही चला के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम विंडो 10 के अंदर देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज में ले सकते हैं। तो विंडो के लिए सबसे पहले हमें इस टूल को डाउनलोड करना होगा। ये देखिए, ये इसकी सेटअप फाइल है, मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। आप अपने ब्राउजर के अंदर ये वेबसाइट ओपन कर लीजिए। यहाँ आपको ये 32-bit और 64-bit के लिए इसकी सेटअप फाइल मिल जाएगी, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है। तो इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए, आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इस टूल के द्वारा किसी भी वेबसाइट को बड़ी आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट का नाम, कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या देना चाहते हैं, मैंने दे दिया टेकचिप। प्रोजेक्ट की कैटेगरी, जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आपको सारी फाइलें कहाँ सेव करनी है, जो भी फाइल्स डाउनलोड होंगी उसका पूरा पाथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है टेकचिप, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, सारी फाइलें इसी में सेव होंगी। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। एक्शन के अंदर आपको दोस्तों यहाँ पे आपको पूरी वेबसाइट डाउनलोड करनी है, या आपको पहले से डाउनलोड को अपडेट करना है, या आपके पिछले डाउनलोड को ही आपको कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया डाउनलोड वेबसाइट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम URL ऐड करेंगे कि आप किस URL को यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैंने अपनी ही वेबसाइट का नाम लिख दिया techchip.net। यदि इसके लिए लॉगिन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया और ओके पे क्लिक करेंगे। यदि आपके पास URL की लिस्ट है तो आप यहाँ से URL को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन सेट कर सकते हैं, आप प्रॉक्सी सेट कर सकते हैं, स्कैन रूल चेंज कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की फाइल्स डाउनलोड करनी है, कौन सी लिंक इंक्लूड करनी है या एक्सक्लूड करनी है। यहाँ पर आप लिमिट सेट कर सकते हैं। तो काफी तरह के ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर आप ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं। तो मैं इसकी डिफॉल्ट सेटिंग पे इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि जैसे ही आपका टास्क फिनिश हो तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाए या सिस्टम शट डाउन हो जाए। तो जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो फिनिश कर दीजिए। और आप जैसे ही फिनिश करेंगे वो वेबसाइट आपके सिस्टम पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये टूल उस वेबसाइट को आपके सिस्टम पर क्लोन कर रहा है। जो भी हमने फोल्डर सेट किया था सारी फाइलें वहाँ पर डाउनलोड होने लग जाएंगी। आप देख सकते हैं फाइलें डाउनलोड हो रही हैं। तो इस प्रोसेस में दोस्तों थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ये डिपेंड करेगा कि वेबसाइट के अंदर कितना डाटा है और आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर टाइम लगेगा। यहाँ पूरी की पूरी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं, जो भी उसने इमेजेस फाइलें अपलोड की हुई हैं वो सारी की सारी आपके फोल्डर में डाउनलोड होने लग जाएंगी। तो दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ओके कर दिया, ये डाउनलोड यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। आप इसकी एरर लॉक फाइल भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एरर यहाँ पर आए थे। तो जो भी इसके एरर लॉक हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या डाउनलोड हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी फाइलें डाउनलोड हो चुकी हैं। तो मैंने ओपन किया techchip.net फोल्डर और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मेरे पेजेस बने हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। अबाउट पेज, ब्लॉग पेज, ऑथर, कार्ट, कैटेगरी, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट्स, कमेंट्स, जो भी मैंने पोस्ट क्रिएट की थी उनके भी यहाँ पे आपको फोल्डर देखने को मिल जाएंगे। जो भी वेबसाइट पर डाटा अपलोड किया गया है, इमेजेस, फाइल्स अपलोड की गई हैं, वो भी सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है। यहाँ पे आपको WP एडमिन, WP कंटेंट्स, WP इंक्लूड्स, ये सारे फोल्डर दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने ओपन किया WP कंटेंट्स और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेबसाइट के अंदर कौन कौन से प्लगइन्स, कौन सी थीम और उसने क्या क्या अपलोड किया है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, अपलोड्स के अंदर जो भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है वो आपको मंथ वाइज यहाँ पर मिल जाएगा, पर मैंने इसको बीच में स्टॉप कर दिया था तो यहाँ पर अभी ज़्यादा डाटा डाउनलोड नहीं हो पाया। कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ हो रहे हैं, ये देखिए, इसमें इतने सारे प्लगइन्स यूज़ हो रहे हैं।
तो जब कोई वेबसाइट को हैक करता है तो हैकर्स को परमिशन नहीं होती कि वो वेबसाइट के डाटाबेस को एक्सेस कर सकें। पर दोस्तों ये प्लगइन्स विक्टिम ने इंस्टॉल किए हुए हैं, इन प्लगइन्स को डाटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन है। तो यदि इन प्लगइन्स के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है तो उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर हैकर बड़ी आसानी से उसके डाटाबेस तक पहुंच सकता है, उस वेबसाइट को हैक कर सकता है, डीफेस कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक ये प्लगइन है वो कॉमर्स का, इसमें दोस्तों काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज पाई गई थी जो फिक्स कर दी गई हैं, अभी भी कुछ मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने गूगल पर सर्च किया वो कॉमर्स वल्नरेबिलिटीज, आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर एक्सेस वल्नरेबिलिटीज, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज, ऑब्जेक्ट इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज, तो काफी तरह के वल्नरेबिलिटीज इस प्लगइन के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी वल्नरेबिलिटीज हैं जो अभी हाल ही में ही फिक्स की गई हैं। आप ये देख सकते हैं दोस्तों काफी डेंजरस वल्नरेबिलिटीज है जो कि इसके पेपल गेटवे में थी, जिसके द्वारा हैकर्स मेलिशियस ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करके उसके डाटाबेस तक पहुंच सकता था। यदि विक्टिम ने ये ओल्ड वाला प्लगइन अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया हुआ है, उसको अपडेट नहीं किया, तो उसके अंदर भी ये वल्नरेबिलिटी मौजूद होगी। उसके बाद इस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर हैकर बड़ी आसानी से वेबसाइट को हैक कर सकता है। जैसे दोस्तों ये प्लगइन है ईमेल सब्सक्राइबर, इसके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं। तो आप ऐसे टूल की मदद से जान सकते हैं कि वेबसाइट पर कौन कौन से प्लगइन्स डले हुए हैं, कौन सा वर्जन वो यूज कर रहा है और किस वर्जन में क्या वल्नरेबिलिटी है, तो उसका फायदा उठाकर बड़ी आसानी से वेबसाइट को हैक किया जा सकता है। दोस्तों मेरी वेबसाइट पर काफी सारी वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस तरह से वल्नरेबिलिटीज को ढूंढकर वेबसाइट को हैक किया जा सकता है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि इस टूल को हम काली लिनक्स के अंदर किस तरह से यूज में ले सकते हैं। दोस्तों आपको ये टूल काली लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल मिलेगा, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल से अपना टर्मिनल ओपन कीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए HTTrack, एंटर दबाइए। ये देखिए यहाँ पर ये टूल स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट का नाम दीजिए, सेम वही प्रोसेस है पर वहां पर आपको ग्राफिकल इंटरफेस मिल रहा था, यहाँ आपको मिलेगा कमांड लाइन इंटरफेस। उसके बाद आपका बेस पाथ कि आपको सारी फाइलें कहाँ पर सेव रखनी है, तो मैं डेस्कटॉप का ही पाथ दे देता हूँ, रूट के अंदर डेस्कटॉप के अंदर, और मैंने फोल्डर का नाम दे दिया टेक चिप। यहाँ पर वेबसाइट का URL, कौन सी वेबसाइट आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप एक या एक से अधिक वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं, सीधे कॉमा लगाकर URL टाइप करते जाइए, तो मैंने दे दिया techchip.net। इसके बाद आप कौन सा एक्शन यहाँ पर लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर पहला ऑप्शन ले लिया मिरर वेबसाइट का। उसके बाद आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, प्रॉक्सी के लिए, वाइल्ड कार्ड के लिए कि कौन कौन सी फाइल टाइप आपको यहाँ पर लेनी है, यदि आपको सेट करनी है तो आप सेट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल से एंटर दबाकर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंटर दबा दिया। इसके बाद ये वेबसाइट को मिरर करने के लिए रेडी है, ये आपसे पूछ रहा है यस या नो, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया। जैसे आप यस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, मेरे डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बन गया टेकचिप नाम से। तो इस वेबसाइट की सारी फाइलें इस फोल्डर के अंदर सेव होने लग जाएंगी, जहाँ तक उस वेबसाइट के अंदर एक्सेस है वो सारी फाइलें यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगी। ये देखिए दोस्तों फाइलें डाउनलोड हो रही हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे विंडो के अंदर काम कर रहा था, ठीक काली लिनक्स में ये वैसे ही काम करेगा। ये देखिए WP कंटेंट्स के अंदर आपको यहाँ पर प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड सारे प्लगइन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस तरह से HTTrack की मदद से पूरी वेबसाइट को अपने सिस्टम पर क्लोन कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी थीम, कौन कौन से प्लगइन्स उसमें यूज हो रहे हैं, उस वेबसाइट के अंदर क्या कमजोरी है, तो ऐसी कमजोरियों का पता लगाकर हैकर्स उस वेबसाइट को हैक भी कर सकते हैं। यदि आप उसको स्टॉप करना है तो Ctrl+C करके आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, जिससे कि मैं आपके सामने और ऐसे वीडियो लेके आता रहूं। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर एथिकल हैकिंग के बारे में, वाइट हैट हैकिंग की टेक्निक्स और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, देखते रहिए टेक चिप, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।